रामपुर और मैनपुरी उपचुनाव के परिणाम क्या होगा? सर अखिलेश यादव को कितनी जरूरी है जीत? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज और मैं हूं आपके साथ चेष्टा चोपड़ा। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इस चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। 3 में से रामपुर और मैनपुरी सीट सपा के कब्जे में रही है, जबकि इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी सपा के गढ़ में उसके लिए सीधी चुनौती बन गई है। इस वजह से अखिलेश यादव के लिए ये जीत जरूरी है। इन दोनों ही सीटों के परिणाम सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए काफी मायने रखेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद से कई मुसलमान नेताओं ने सपा प्रमुख के प्रति नाराजगी जताई है, जबकि आजम खान के जेल से बाहर आने पर अखिलेश यादव से नाराजगी की खबरें चर्चा में रही हैं। वहीं सहारनपुर में इमरान मसूद के बीएसपी और आजम खान के मीडिया सलाहकार का बीजेपी में शामिल होना सपा के लिए नकारात्मक संदेश रहा है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी को ही मजबूत माना जा रहा है। यहां आरएलडी और सपा के कई नाराज चल रहे नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, जबकि इमरान मसूद का बीएसपी में जाना भी मुस्लिम वोटर्स के लिए अलग संदेश हो सकता है। दूसरी ओर भूपेंद्र चौधरी के रूप में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी से अध्यक्ष बनाकर समीकरण और मजबूत बनाने की कोशिश की है। ऐसे वक्त में पश्चिमी यूपी में सपा गठबंधन के लिए राह आसान होती नहीं दिख रही है। धन्यवाद, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ट्रिगर न्यूज़।